Hey guys, welcome back to again my channel, Kavita's Care World. ये है ब्लाउज एक्सेसरी जिसे मैंने यहाँ पे एज अ मांग टीका यूज़ किया है। बॉबी पिन से आप इसे दोनों साइड से अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा। अगर आपको कभी पार्टी फंक्शन में समझ में नहीं आता है, ओपन हेयर स्टाइल आप ज़्यादा बनाना प्रेफर करते हैं, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके हेयर्स को ये फुली कवर करता है और देख सकते हैं आप, टोटली लुक आपका चेंज हो जाएगा। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर हम बात करें अपने सेकंड स्टाइल की, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, यूज़फुल रहने वाला है, जिन्हें जो नेक डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा डीप पसंद है, टॉप वगैरह आपके डीप नेक हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ दिस, बिकॉज ये आपकी लुक को बहुत अच्छे से इनहेंस करेगा, नेक को अच्छे से कवर कर देता है और आपको इसमें नेक पीसेस वगैरह कुछ भी वेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे ना मैंने मीशो से परचेज़ किया था, आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा लगता है सामने से देखने में, आप देख सकते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ना इसमें भी आपको साइड में छोटी छोटी सी सेफ्टी पिन्स मिल जाती हैं, बट वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो सेफ्टी पिन ली है और इसके साइड में लगा दी है ताकि टकिंग करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ये ईजिली टक हो जाए और फिर आप इसे किसी भी तरीके से टक कर सकते हैं अपने ब्लाउजेज़ में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। और अगर हम बात करें थर्ड स्टाइल की, तो यहाँ पे मैंने इसको स्लीप में भी टक किया है, क्योंकि आपको पता है एक साइड हम दुपट्टा ले लेते हैं, तो ब्लाउज़ के एक साइड आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आपके जो ब्लाउज़ है सिंपल ब्लाउज़ को भी ये बहुत हैवी लुक दे देता है। और फोर्थ स्टाइल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैंने इसे लहंगा पे यूज़ किया है एज अ कमरबंद। आप चाहे तो इसे साड़ी पे भी यूज़ कर सकते हैं, लहंगा पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आप इसे ना ईजिली घर पर भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक हैंगिंग ईयरिंग लेना है और साइड में छोटे छोटे दो स्टर्ट लेने हैं, चार मालाएं आप इस तरफ यूज़ करें, चार मालाएं मोती के उस तरफ यूज़ करके आप इसको आपस में कनेक्ट करके इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। और ना यहाँ पे दुपट्टा को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है, बट आप भूल के भी इस तरीके से स्टाइल मत कर लेना, वरना घर वाले ना इतना कुटम कुट करेंगे ना, इतना कुटेंगे ना, इतना कुटेंगे ना कि आप मुझे ब्लेम करेंगे, फिर बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। ये ओनली वीडियो में था, आगे मैं आपके साथ दुपट्टा स्टाइलिंग वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। और फाइनली हमने इसको यूज़ कर लिया है एज अ ब्लाउज एक्सेसरी, कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइए कहाँ। और ना अगर आपको बैकलेस ब्लाउजेस वेयर करना पसंद करते हैं या फिर सूट्स वेयर करना पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और हाँ जी, जल्दी से देख लीजिए फुली रिकैप। सो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो हाँ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट से, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और जी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।